विधानसभा चुनाव के दौरान भोपाल उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी फातिमा रसूल और महापौर आलोक शर्मा सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल वोटिंग के दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद महापौर बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व पार्षद अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ DIG बंगले पर चक्का जाम करने पहुंचे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।